नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमने कम्युनिटी पोस्ट शेयर करी थी, उसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों के IDBI PGDBF को लेके डाउट्स थे। तो ये डाउट के लिए ही हमने वीडियो बनाया है, क्योंकि ये जो ऐसे डाउट हैं ये खुद हमारे मन में भी आए थे जब हमने तैयारी करते थे बैंक PO की। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम एक के बाद एक क्वेश्चंस लेके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो IDBI PGDBF की हम सब लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया था वो ये था कि IDBI PGDBF का कोर्स अगर हम करते हैं, लेकिन अगर IDBI बाद में फुली प्राइवेटाइज हो जाता है तो इसका जॉब सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसको लेके कोई स्पेसिफिकली सर्कुलर अभी जारी नहीं हुआ है, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से ना IDBI की तरफ से, कि अगर IDBI फुली प्राइवेटाइज हो गया, क्योंकि अभी इसके जो शेयर है वो LIC के पास है काफ़ी कुछ, लेकिन सुनने में यही आता है कि LIC इसको एज अ प्राइवेट बैंक की तरह ही रन करता है, लेकिन जो सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह इसका जो है वो जो दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उन्हीं के जैसा है। और रहा सवाल जॉब सिक्योरिटी का, तो जब ये प्राइवेट होगा तो इतना मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोगों की जॉब चल जाएगी, लेकिन फिर भी इसके फुली इम्पैक्ट क्या होंगे आपकी सैलरी पे, आपके जो वहाँ पे प्रमोशन कल्चर होता है या जो ट्रांसफ़र पॉलिसियाँ होती है, ये तो जब वो प्राइवेट होगा और इसको लेके पूरे गवर्नमेंट जब इसकी तैयारी अभी कर रही है उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास आता है कि जॉब सिक्योरिटी आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, लास्ट ईयर फ्यू ऑफ कैंडिडेट्स डिडंट गेट जॉब। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपको IDBI ने कॉल किया है, ज्वाइनिंग लेटर मेल किया है PGDBF के लिए, और आपने अगर PGDBF पूरा पास कर लिया है, तो ऐसा अभी तक मेरे सामने कोई केस नहीं आया कि IDBI ने उनको ज्वाइनिंग नहीं दी है। तो ये सवाल मेरी समझ से थोड़ा परे है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बच्चा PGDBF के अंदर पास ही ना हो पाए तो उसको फिर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उसने PGDBF पूरा पास कर लिया है, और 99.9% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप मणिपाल PGDBF ज्वाइन करेंगे तो आप भी पास हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको IDBI कॉल करता है तो इसके लिए के मन में घबराहट ना रखें, वहाँ अच्छे से तैयारी करें, अपना PGDBF कोर्स कंप्लीट करें, वहाँ पर नॉलेज गेन करें, वहाँ के एक्सपीरियंस को एन्जॉय करें, और उसके बाद आपका जॉब मिलना कन्फर्म है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डूइंग PGDBF कोर्स, कैन वी इजीली गेट अ जॉब इन अदर प्राइवेट बैंक्स टू थ्रू दिस कोर्स। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यार देखो, PGDBF कोर्स जो है उसके बेस पे आपको प्राइवेट बैंक में जॉब नहीं मिलेगी। एक चीज़ ज़रूर है कि PGDBF कोर्स करने के बाद मणिपाल 18 महीने का MBA करने का भी आपको ऑप्शन देता है, उसके लिए एक्स्ट्रा फीस ज़रूर लगती है। तो अगर वो MBA आपने कर लिया और वो MBA डिस्टेंस मोड से होता है, आप चाहें तो IDBI ज्वाइन करने के बाद भी वो कोर्स कंटिन्यू करके और अपना MBA पूरा कर सकते हैं 18 महीने का। अगर वो कोर्स आपने पूरा कर लिया तो आपको प्राइवेट बैंक में जॉब मिल सकती है, क्योंकि अगर आपने MBA नहीं किया और आप ही सोच रहे हैं कि केवल PGDBF के बेस पर आप प्राइवेट में स्विच कर जाएँ तो ये नहीं हो पाएगा, या एज अ फ्रेशर आपकी जॉब लग जाए तो ये थोड़ा मुश्किल काम है कि उस लेवल की अच्छी जॉब आपको प्राइवेट में मिल जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द वर्क प्रेशर आफ्टर जॉइनिंग IDBI एज एन असिस्टेंट मैनेजर, क्या ये दूसरे PSB की तरह सेम होगा। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप वर्क प्रेशर से बच नहीं सकते हो। वहाँ आप चाहे प्राइवेट में चल जाओ, चाहे SBI में चल जाओ, चाहे बड़ौदा में चल जाओ, कोई से भी बैंक में आप चल जाओ, चाहे HDFC में चल जाओ, अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो आप वर्क प्रेशर से नहीं बच सकते। ये पूरी तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर है और यहाँ पे पूरा जो है पैसे से सब कुछ चीज़ें रन होती है, तो वहाँ पे आपके पास टारगेट और वर्क प्रेशर हमेशा दूसरे सेक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा। अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो फिर या तो एजुकेशन सेक्टर में जॉब करो, या रेलवे डिपार्टमेंट वगैरह जो दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ जॉब करो। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर में अगर आप आएंगे तो प्लीज़ ये क्वेश्चन थोड़ा हमसे जब भी जो लोग पूछते हैं, कई बार दूसरे वीडियोस पे भी आते हैं, ये तो IDBI का स्पेसिफिकली मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सर वर्क प्रेशर कैसा रहेगा, तो वर्क प्रेशर तो आपके पास रहेगा, टू बी ऑनेस्ट मैं मना नहीं करूँगा। इसके बाद आपका आता है कि हाउ इज़ द एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न एंड इज इट कम्पिटिटिव एंड द इंटरव्यू राउंड आफ्टर दैट, वॉट आर द क्वेश्चन आस्क्ड। तो ये चीज़ बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम में इसके अंदर केवल एक मेंस का ही पेपर होता है जो IBPS PO में होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि प्री अलग होता है और मेंस अलग होता है। हाँ, जो इसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा सा हो सकता है कि IBPS PO के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो, या हो सकता है इस बार जब मणिपाल पेपर कराए तो थोड़ा सा उसका बढ़ा भी दे, तो मतलब लगभग लगभग वैसा ही होता है, कोई बहुत ज़्यादा इसका अलग से
आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने IBPS PO की अच्छे से तैयारी करी है तो ये पेपर भी आप फाइट कर सकते हो। इंटरव्यू भी इसका वैसा ही होगा जैसा कि IBPS का होता है, वहाँ पे आपसे उसी तरीके के बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी पूछे जाएंगे। तो आप कोई भी मॉक इंटरव्यू देख के या कहीं भी प्रैक्टिस करके, ये कोई इसका एक ऐसा नहीं है कि IDB अपना अलग से सब कुछ कराता है, नॉर्मल जो बैंकिंग का होता है वैसा ही इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर जो है कॉम्पिटिशन का देखने को मिलेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी था, IDBI PGDBF कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब एक साल बाद जॉब मिलेगी तो मिनिमम सैलरी क्या रहेगी। तो इसको लेके परिधि ने एक वीडियो बनाया है कि IDBI असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी क्या रहती है, तो वो वीडियो आप हमारी चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन वर्सेज PGDBF, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप पोस्ट ग्रेजुएशन मान के नहीं चले, ये डिप्लोमा कोर्स है और डिप्लोमा कोर्स की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल PG से कम होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है वो आपका 2 साल का होता है, लेकिन ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। हाँ, इसके बाद जो आप अगर आप 18 महीने का MBA कर लेते हो तो वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में काउंट होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि प्लीज़ टेल मी एनी कोलेटरल रिक्वायर्ड फॉर लोन फॉर परसुइंग IDBI PGDBF प्रोग्राम एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर लोन। तो इसको मैं बता दूं, इसके अंदर कोई भी आपको कोलेटरल नहीं चाहिए एजुकेशन लोन के लिए, आप बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के भी लोन ले सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सम पीपल आर सेइंग दैट दे वर इन मेरिट लिस्ट लास्ट ईयर PGDBF बट स्टिल दे डू नॉट गेट एनी ज्वाइनिंग मेल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे पास भी एक जने का ऐसा कॉल आया था और वो मेरा मिलने वाला है। उसने कहा था कि PGDBF का जो कोर्स है तो जो इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर रीजनिंग वगैरह आपसे पूछी जाती है वो बच्चों का क्लियर हो गया, लेकिन IDBI की तरफ से ये PGDBF कोर्स करने का उन बच्चों को मेल नहीं आया। पिछले साल काफ़ी सारे बच्चों के साथ ये हुआ है, तो ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, IDBI के अंदर भी हमने पता करने की कोशिश की लेकिन इसका किसी के पास कोई जवाब अभी तक निकल के सामने नहीं आया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपका मेंस का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और अगर आप ये सोच के दूसरे पेपर नहीं दे रहे कि वहाँ से तो कॉल आएगा, तो ऐसी रिस्क बिल्कुल ना लें, क्योंकि ऐसा हुआ है पिछले साल। तो जो पिछले साल हुआ है हम तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आज की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है इन हैंड सैलरी, उसका मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद है ड्यू टू पुअर सिविल स्कोर बिकॉज वी टेकन KCC लोन एंड येट नॉट रीपेमेंट फॉर दिस दे कैन रिजेक्ट। क्या अगर आपका सिविल स्कोर पुअर है तो क्या आपको लोन मिलेगा? तो ये आप किसी अपनी पास की ब्रांच से जाके पता कर सकते हैं, क्योंकि वही बैंक आपको बता पाएगा जिसने आपको लोन दिया है। इसके बाद आपका जॉब प्रोफाइल वर्किंग आ CTC पोस्टिंग, तो पोस्टिंग आपकी पूरे भारत में कहीं भी आ सकती है। CTC को लेकर आप सैलरी का वीडियो देख सकते हैं। जॉब प्रोफाइल वर्किंग आवर्स का मैंने बता ही दिया कि बैंकिंग में कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं। जॉब प्रोफाइल एक जो नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में काम होता है वैसा ही होता है, थोड़ा प्रेशर हो सकता है IDBI के अंदर ज़्यादा हो। मैंने काफ़ी सारे लोगों से ये सुना है कि ये बैंक अश्योरेंस का काम करवाते हैं, जो LIC की पॉलिसीज वगैरह है, जो जिसे हम क्रॉस सेलिंग बोलते हैं, तो उसका लोड थोड़ा IDBI के अंदर एज असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट होती है उस पर थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम लेवल क्या है, प्री या मेंस। तो मैंने आपको बता दिया कि जो मेंस का एग्ज़ाम लेवल होता है वैसा ही एग्ज़ाम लेवल इसका रहेगा, आपको उसी बेस पे तैयारी करनी है। PGDBF के बाद जॉब ना मिले ऐसा भी होता है क्या? नहीं, अगर आपने PGDBF का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट पास कर लिया है IDBI के थ्रू, तब तो आपको ज्वाइनिंग ज़रूर मिलेगी। ये मैंने बताया था आपको कि अगर एग्ज़ाम पास किया है, तो पिछले साल काफ़ी सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें ज्वाइनिंग का मेल नहीं मिला PGDBF कोर्स करने के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ डाउट थे जो IDBI को लेके इस वीडियो के अंदर हमने आप लोग के साथ शेयर किए। मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा IDBI एग्जीक्यूटिव वर्सेस IDBI असिस्टेंट मैनेजर, अगर आपको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है तो आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, वो मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर इस तरह के और वीडियोज़ चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।